मिंटू से मैडम मिंच, लोग उसे रिवॉल्वर रानी भी कहते हैं। मुंह से फर्राटेदार अंग्रेजी तो हाथों से AK-47 की गोलियों की बौछार, लोग उसे लेडी डॉन कहते हैं। पंजाब में जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई तो भी उसका नाम सुर्खियों में था। वो पढ़ने में तेज तर्रार थी, उसने BCA किया था, मां का साया बचपन में ही उठ गया था, पिता सरकारी नौकरी करते थे, उसने लव मैरिज की और इसी लव मैरिज के बाद लगे शेयर मार्केट के घाटे ने उसे जुर्म की दुनिया में पहुंचा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम बाहुबली। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंजलि। साल 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गैंगस्टर काला जठेड़ी को गिरफ्तार किया था। काला जठेड़ी के साथ ही पुलिस ने एक लड़की को भी पकड़ा था और उस लड़की का नाम था अनुराधा चौधरी। कहते हैं अनुराधा चौधरी काला जठेड़ी की प्रेमिका थी और उसके साथ हर जुर्म में बराबर का साथ देती थी। मगर अनुराधा चौधरी का ना तो ये पहला प्यार था और ना ही काला जठेड़ी जुर्म की दुनिया में पहला साथी। महिला डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिंच AK-47 जैसे अत्याधुनिक हथियार चलाने में माहिर है। राजस्थान पुलिस की ओर से इसकी गिरफ्तारी पर भले ही महज 10,000 का इनाम था, लेकिन कई बड़े गैंगस्टर्स की गर्लफ्रेंड रह चुकी अनुराधा के किस्से बड़े गैंगस्टर जैसे हैं। इस पर रंगदारी मांगने, हत्या के प्रयास और लूट समेत कई संगीन आपराधिक मामले दर्ज हैं। सबसे ज्यादा अपहरण और रंगदारी मांगने के मामले दर्ज हैं। अनुराधा का जन्म सीकर में हुआ। अनुराधा के सर से मां का साया बचपन में ही उठ गया था, पिता सरकारी नौकरी में थे। अनुराधा पढ़ने में ठीक ठाक ही नहीं बल्कि कहें तो तेज तर्रार थी। इंग्लिश बोलने में उसका कोई सानी नहीं था। 35 साल की दुबली पतली अंग्रेजी बोलने में तेज तर्रार अनुराधा ने दिल्ली के एक नामी कॉलेज से BCA में स्नातक किया, साथ ही राजस्थान विश्वविद्यालय से BTech करने के अलावा अनुराधा ने MBA भी किया। पढ़ने में तेज तर्रार अनुराधा को प्यार हुआ सीकर में ही रहने वाले बिजनेसमैन फेलिक्स दीपक मिंज से। दोनों ने शादी की और अपने वैवाहिक जीवन में उन्होंने रिस्क लेते हुए पति के साथ शेयर मार्केट और शेयर ट्रेडिंग के काम को आगे बढ़ाया। पति के साथ काम करने वाली अनुराधा चौधरी ने शुरुआत में शेयर मार्केट के काम में खूब मुनाफा कमाया, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही बिजनेस में करोड़ों का घाटा हुआ और वो भारी कर्ज में डूब गए। इसके बाद अनुराधा और दीपक ने जिन लोगों के पैसे शेयर मार्केट में लगवाए थे अब वो भी पैसे मांगने लगे थे। बिजनेस में नुकसान के चलते अनुराधा ने अपने रास्ते को अपराध की ओर मोड़ लिया। कर्ज के दबाव के चलते वो सीकर के हिस्ट्री शीटर बलबीर बानुरा से मिली, लेकिन काम नहीं बना। पढ़ने में तेज तर्रार अनुराधा को प्यार हुआ सीकर के बिजनेसमैन फेलिक्स दीपक मिंज से। इसके बाद दोनों ने वैवाहिक जीवन में रिस्क लेते हुए शेयर मार्केट में जो है खूब कदम जमाया और खूब पैसा भी कमाया, लेकिन थोड़े ही दिनों बाद जो है शेयर मार्केट डूब गया और कर्जा लेने वाले जो कि शेयर मार्केट में पैसा लगवाया था अनुराधा और दीपक मिंज के कहने पर, वो कर्जा चुकाने के लिए ये दोनों पर दबाव बनाया जाने लगा। इसके बाद जो है अनुराधा सीकर के हिस्ट्री शीटर बलबीर बानुड़ा से मिली, हालांकि उसके साथ काम नहीं किया। गैंगस्टर काला जठेड़ी की जिस सहयोगी अनुराधा उर्फ मैडम मिंच को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है,
उसका रुतबा भी किसी बड़े बदमाश की तरह ही है। अनुराधा का दिमाग इस कदर तेज चलता था कि कई बार राजस्थान की सरकार और पुलिस भी मात खा चुकी थी। अनुराधा उर्फ मैडम मिंज तकरीबन 2017 तक राजस्थान के कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल के संपर्क में थी। उसके साथ ही वो भी आनंद पाल के गैंग को ऑपरेट किया करती थी। उस समय आनंद पाल राजस्थान के एक अन्य गैंगस्टर राजू बसोदी के टारगेट पर था। दीपक से शादी के बाद ही अनुराधा को लोग मैडम मिल्स के नाम से जानते थे। घर की मिंटू, शादी के बाद मिल्स, अब राजस्थान की लेडी माफिया बनने की ओर अग्रसर थी और इस काम में उसका बाखूबी साथ दिया उस वक्त जिसके नाम की राजस्थान में तूती बोलती थी, यानी कि आनंद पाल ने। कुख्यात अपराधी आनंद पाल से संपर्क में आने के बाद अनुराधा चौधरी का रुतबा बढ़ गया और वो लेडी डॉन मैडम मिंस कहलाने लगी। अब जब दीपक मिंस को उसके संपर्कों के बारे में पता चला तो वो उससे अलग हुआ। अब अनुराधा ही आनंद पाल के सारे अपराधों का प्लान बनाती और काम को अंजाम देने में साथ देती। बताते हैं कि अनुराधा के संपर्क में आने के चलते ही आनंद पाल सिंह का हुलिया बदल गया था। आनंद पाल ने अनुराधा से ही अंग्रेजी सीखी और स्टाइलिश बना। कुख्यात अपराधी के साथ रहते ही अनुराधा ने AK-47 चलाने की ट्रेनिंग ली थी। अपराध की दुनिया में आनंद पाल का साथ मिलने के बाद वो अपहरण में एक्सपर्ट हो गए। इसके बाद उसे सीकर के एक व्यापारी की किडनैपिंग के चलते इनामी बदमाश भी घोषित किया गया था और तब उस पर 50,000 का इनाम रखा गया था। इसके अलावा साल 2006 में चर्चित जीवन राम गोदारा हत्याकांड के मुख्य गवाह प्रमोद के भाई इंद्रचंद्र के अपहरण में भी अनुराधा चौधरी को मुख्य किरदार माना गया था। साल 2014 में अंजाम दिए गए इस जुर्म के बाद वो इंद्रचंद्र को लेकर पुणे चली गई थी, लेकिन पुलिस की छापेमारी के बाद उसे वहां से भागना पड़ा। कुख्यात गैंगस्टर आनंद पाल ने ही अनुराधा से अंग्रेजी सीखी थी, मगर अनुराधा को कुख्यात गैंगस्टर का साथ मिलने के बाद उसके साथ रहते हुए AK-47 जैसे हथियार को चलाना सीख गई। उसी के चलते लगातार किडनैपिंग में माहिर होती गई और सीकर के अंदर जो एक व्यापारी को किडनैप किया गया था उसी के अंदर उसको दोषी करार माना गया था किडनैपिंग के दौर, तो उसी दौरान वहाँ पर प्रशासन ने उनके ऊपर 5,000 को इनामी घोषित किया गया था। उसके बाद लगातार 2006 के अंदर बहुचर्चित जो मामला था गोदारा कांड का, हत्याकांड का, उसके अंदर भी इसको उनके जो गवाह थे, गवाह के मुख्य उसके भाई को, प्रमोद के भाई को इंद्रचंद्र जो भाई है, जो उनको लेकर ये अपहरण के मामले में फरार हो गई थी और इसी के चलते लगातार ये माहिर होती गई। कहते हैं अनुराधा से मुलाकात से पहले आनंद पाल बिल्कुल देसी लिबास में रहता था, लेकिन अनुराधा ने उसे बदल दिया। कहते हैं इंग्लिश बोलना भी उसे अनुराधा ने ही सिखाया था। अनुराधा ने न केवल आनंद पाल का लुक बदला बल्कि वो अब आनंद पाल के हर क्राइम की प्लानिंग भी करने लगी। अनुराधा ने डॉन को अंग्रेजी सिखाई और बदले में आनंद पाल ने अनुराधा को AK-47 जैसे हाईटेक हथियार चलाने सिखाए। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी को साल 2016 में नागौर जिले की एक अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी के साथ 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था। साल 2017 में गैंगस्टर आनंद पाल सिंह के एनकाउंटर के बाद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क से
अनुराधा दिल्ली तक पहुंच गए। दरअसल अनुराधा राजू बसौदी के टारगेट पर थी, जिसके बाद उसने लॉरेंस बिश्नोई का साथ पकड़ा। लेकिन उसके बाद जब लॉरेंस बिश्नोई पकड़ा गया तो उसे काला जठेड़ी का साथ मिला और अब वो गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ लिव इन में रहने लगी। लेडी डॉन अनुराधा के नेतृत्व में काला जठेड़ी गोल्डी बरा थाईलैंड में बैठा वीरेंद्र प्रताप और पंजाब का मोंटी जैसे गैंगस्टर राजधानी दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में अंडरवर्ल्ड जैसी दुनिया बनाना चाह रहे थे। ये इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट इसके साथ ही हाई प्रोफाइल वसूली, शराब समेत अवैध हथियारों की तस्करी और जमीन हत्याने के कामों में काफी ज्यादा एक्टिव थी। वहीं अपने हर काम को अंजाम देने के लिए अनुराधा के साथ मिले सब गैंगस्टर्स ने लेडी डॉन के इशारे पर अपने सभी रास्ते के कांटों को निकाल फेंका। साल 2020 में राजस्थान के कुचावन में अनुराधा ने एक व्यक्ति को व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल कर रंगदारी मांगी। रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दी। उसके बाद राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में कई कारोबारियों के अपहरण के मामले में अनुराधा का नाम आता रहा। लेडी डॉन अनुराधा के नेतृत्व में काला जठेड़ी, गोल्डी बरार और थाईलैंड में बैठा वीरेंद्र प्रताप और साथ ही साथ पंजाब के मोंटी गैंग के साथ यह राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा में अंडरवर्ल्ड जैसा माहौल बनाने वाले थे। साथ ही साथ अनुराधा ने अपनी गैंग के साथ मिलकर अपने दुश्मनों का भी खात्मा किया। इसके बाद ये तस्करी, हथियारों की तस्करी, शराब तस्करी में लिप्त हो गए, जमीन कब्जे में लिप्त हो गए। इसके बाद 2020 में राजस्थान में रंगदारी के लिए व्हाट्सअप कॉल अनुराधा के द्वारा किया गया और उसके बाद इस पर कई मामले दर्ज हो गए। अनुराधा के शातिर दिमाग का कायल काला जठेड़ी उससे मोहब्बत कर बैठा और दोनों करीब 9 महीने से लिव इन में रह रहे थे। यह भी पता चला है कि अनुराधा के इशारे पर ही काला जठेड़ी राजस्थान में जबरन, उगाही और हत्या जैसे संगीन वारदातों को अंजाम दिया करता था। साल 2021 में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कुख्यात गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की गिरफ्तारी के चंद घंटों बाद ही उसकी सहयोगी और राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा को भी गिरफ्तार किया। बताया जाता है अनुराधा गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ पिछले कई महीनों से लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। कहा जाता है शातिर दिमाग अनुराधा के चलते ही उत्तर प्रदेश और दिल्ली पुलिस लगातार मात खा रही थी। कहते हैं अनुराधा के शातिर दिमाग का कायल काला जठेड़ी उससे मोहब्बत कर बैठा और दोनों लिव इन में रहने लगे। कहा जाता है अनुराधा के इशारे पर ही काला जठेड़ी राजस्थान में जबरन उगाही और हत्या जैसे संगीन वारदात को अंजाम देता था। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद जब मामले में गोल्डी बरार और लॉरेंस का नाम सामने आया तो एक बार फिर लेडी डॉन अनुराधा चौधरी भी सुर्खियों में आ गई थी। भले ही वो 2021 से जेल में थी, मगर कहते हैं उसने जेल में रहते हुए भी अपने क्राइम के नेटवर्क को कमजोर नहीं पड़ने दिया। सिद्धू मूसेवाला की मानसा जिले में 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाद में इस हत्या की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बराड ने ली। जब गोल्डी बराड के राजस्थान कनेक्शन का खुलासा हुआ और पता चला कि वो राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा का भी क्राइम पार्टनर रहा है, इसके बाद तो जैसे जैसे मामले में खुलासे होते रहे लेडी डॉन अनुराधा का नाम चर्चा में आता रहा। दिल्ली पुलिस ने अब गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार समेत एक दर्जन से ज्यादा अपराधियों के खिलाफ
यूएपीए की धाराओं में केस दर्ज किया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद सीकर में गैंगस्टर राजू ठेठ हत्याकांड में भी अनुराधा का नाम एक बार फिर सुर्खियों में रहा। कहा जाता है राजू ठेठ की हत्या करवाने के पीछे अनुराधा का ही हाथ था। पुलिस इसे एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंद पाल की मौत का बदला भी मान रही है। कहा जाता है राजू ठेठ और आनंद पाल के बीच रंजिश चलती थी। आनंद पाल के बारे जाने के बाद उसकी गर्लफ्रेंड लेडी डॉन अनुराधा ने लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी से हाथ मिला लिया था। माना जा रहा है कि लॉरेंस और काला जठेड़ी गैंग ने मिलकर राजू ठेठ की हत्या करवाई है। इस बीच लेडी डॉन अनुराधा ने इस हत्याकांड में अपनी भूमिका से साफ इनकार किया। उसका कहना है कि वह अपराध का रास्ता छोड़ चुकी है। अनुराधा ने कहा कि मेरा इस हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है, मैं अब अपराध का रास्ता छोड़ चुकी हूं। माना जा रहा है कि राजू ठेठ हत्याकांड में लेडी अनुराधा का भी रोल हो सकता है, क्योंकि आनंदपाल की हत्या के बाद लेडी अनुराधा डॉन ने बिश्नोई और जठेड़ी से हाथ मिला लिया था। हालांकि लेडी डॉन अनुराधा ने साफ कह दिया है और काफ़ी बार इस पर जोर भी दिया है कि वो अपराध की दुनिया को अलविदा कह चुकी है और इस हत्याकांड में उसका कोई कनेक्शन नहीं है। राजस्थान की पुलिस के ध्येय को धता बताते हुए गैंगस्टर्स की इस फौज से साफ है कि आज भी न तो आम जन में विश्वास है और ना ही अपराधियों में कोई खौफ। प्रदेश में आए दिन होती गैंग वॉर इसका जीता जागता उदाहरण है। जुलाई 2021 में जब अनुराधा और काला जठेड़ी को पकड़ा गया तो पता चला कि अनुराधा ने गैंगस्टर काला जठेड़ी के साथ मिलकर अपने 20 विरोधियों का सफाया कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद अनुराधा ने गोल्डी बरार समेत अपने गिरोह के सदस्यों के नामों का भी खुलासा किया था। 2022 में जब आनंदपाल के दुश्मन रहे राजू ठेहट की हत्या हुई उसमें भी अनुराधा का नाम सुर्खियों में आया, जिस पर अनुराधा ने सफाई दी कि उसका अब जुर्म की दुनिया से कोई लेना देना नहीं है।